एक बार की बात होती है, बद्रीनाथ को उसी के घर पर कोई चक्कू से मार जाता है। तभी वहाँ पर क्राइम सीन पर डिटेक्टिव राहुल पहुँचते हैं। वह क्राइम सीन को ध्यान से देखते हैं और वह कहते हैं कि यहाँ तो बद्रीनाथ को बहुत ही बुरी तरीके से मार रखा है। वह तभी घर के गार्डन पे पहुँच जाते हैं और वह उन सब लोगों को बुला लेते हैं जिन पे उनको शक होता है। तो वहाँ पर तभी तीन लोग आ जाते हैं। तो सबसे पहला होता है पोस्टमैन बुद्धदेव, फिर होता है उनका वॉचमैन और फिर उनकी होती है मेड। वो बद्रीनाथ जो है वह अपने घर पे अकेला रहता था। तभी वह उन तीनों से कहते हैं कि हमें आप तीनों पे शक है, हम को लगता है कि आप तीनों में से ही किसी एक ने अपने ओनर बद्रीनाथ को मारा है, तो जल्दी से बता दीजिए कि आप तीनों में से बद्रीनाथ को किसने मारा है, ना तो हमें स्ट्रिक्ट एक्शंस आपके खिलाफ लेने पड़ेंगे। तभी वह तीनों को बुलाते हैं एक एक करके और तीनों के बयानों को सुनते हैं। तो सबसे पहले पोस्टमैन बुद्धदेव कहता है कि हाँ सर, मैं यहाँ पर आया था लेकिन मैंने इनको इनकी पोस्ट दी और फिर मैं दूसरी पोस्ट देने अपनी साइकिल पे आगे चला गया। फिर वह पूछते हैं उस वॉचमैन से जो कि उनके घर के सिक्योरिटी गार्ड थे, तो वह कहते हैं कि सर मैंने इनका मर्डर नहीं करा है, मैं तो इनके कहने पर मार्केट से रोज़ फ्लोवर लेने गया था मेड से। तो मेड कहती है कि सर मेरे को भी कुछ नहीं पता, मैं इनके घर की सफाई और इनके घर के लिए खाना बनाती हूँ, बाकी मैंने इनका मर्डर नहीं करा। वह तीनों की बातों को ध्यान से सुनते हैं और तभी समझ जाते हैं कि बद्रीनाथ का मर्डर किसने करा होगा। क्या दोस्तों आपको समझ आया? अगर आ गया है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ना तो आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड है। ज़्यादा टाइम के लिए वीडियो को पॉज कीजिए। तो दोस्तों क्या आपको समझ आया कि बद्रीनाथ का मर्डर किसने करा है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो बद्रीनाथ का गार्डन है वहाँ पर बहुत सारे रोज़ फ्लावर जो हैं लगे हुए हैं, लेकिन बद्रीनाथ का सिक्योरिटी गार्ड तो ये कह रहा था कि वह मार्केट से उनके कहने पर रोज़ फ्लावर लेने गया था। लेकिन बद्रीनाथ क्या पागल है जो कि वह इतने सारे रोज़ फ्लावर होने के बाद भी वह मार्केट से रोज़ फ्लावर मंगाएगा? तो दोस्तों इसी से समझ आ जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड ही झूठ बोल रहा था और उसने ही बद्रीनाथ का मर्डर करा है। तो दोस्तों इस मस्त पहेली के लिए जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपनी मेन वाली रिडल पे। तो एक तरफ है सायरा और दूसरी तरफ है मायरा। तो अब आपको मेरे को इन दोनों को देखकर बताना है कि इन दोनों में से कौन भूत है। तो इस पहेली के लिए भी आपके पास 10 सेकंड है, सोचिए और अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इन दोनों लड़कियों में से कौन भूत है। तो सबसे पहले अगर हम मायरा को देखें तो मायरा की जो है मल्टीपल इमेजेस बन रही है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मायरा के आगे और पीछे दोनों तरफ मिरर है जिससे उसकी मल्टीपल इमेजेस बन रही हैं। लेकिन अगर हम सायरा के केस में देखें तो सायरा के केस में जो है उसकी इमेज मिरर में पीछे बिल्कुल सीधी बन रही है लेकिन वो तो उल्टी खड़ी हुई है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इससे तो यही पता चलता है कि सायरा ही भूत है। तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारी ये एंड स्क्रीन पर लगी हुई वीडियो भी देख सकते हैं। तो थैंक यू।